एवरीवन, मैं हूं रुतवा मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कितने टाइप की पेनिस होती है, लड़कों की जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है कि बहुत सारे लड़के दूसरों के यानी कि मूवीज़ को देख लो या फिर जो वो मूवीज़ देखते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे मूवीज़ को वो फॉलोअप करते हैं, जिस मूवीज़ में ऐसे साइज ऐसी चीज़ों को दिखाया जाता है ना, उसको ही वो नेचुरल समझते हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी एथिकल मूवीज़ भी होती है, अनएथिकल मूवीज़ होती हैं जहाँ पर भी साइज़ को दिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे अब साइज वेबसाइट भी ले लो, हर जगह पे वो जहाँ पे भी साइज रिलेटेड कुछ भी देखते हैं ना, देखिए एक बात है, वहाँ पे जो दिखाया जाता है ना, अगर वो उस चीज़ को नहीं दिखाएंगे जो कि सबसे बेस्ट वो समझते हैं, दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो ना तो वो उन चीज़ों को लोग देखेंगे, ना तो पसंद करेंगे, ना ही एडिक्ट होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है, क्योंकि बहुत से ऐसे मेल आते हैं, इवन बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरा ये है वो है। देखिए, अगर आप खुद भी इस पर रिसर्च करो ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या साइज़ नॉर्मल है, क्या नहीं है, कितना इंच होना नॉर्मल है, कितने हद तक नॉर्मल है। तो मैं यही इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कितने टाइप के होते हैं जो कि नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। डेफिनेटली साइज़ रिलेटेड हो गया, या फिर आप बात करो गिर्थ की, अगर आप बात करो लंबाई की, चौड़ाई की, मोटाई की, तो हर तरीके से बॉडी टाइप अलग है। तो जैसे हमारे बॉडी के और भी ऑर्गन्स अलग हैं, वैसे ये ऑर्गन भी आपका बिल्कुल ही अलग होता है। तो मैं ऐसे टॉप सेवन ऐसे साइज़ के बारे में बताऊँगी, टाइप्स के बारे में बताऊँगी जो कि नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनमें से एक भी कैटेगरी में आते हो ना, तो आप मतलब कि पहले भी थे, और अगर आपको थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी है, इनसिक्योरिटी है, फिर थोड़ा सा भी आप इसके बारे में कन्फ्यूज्ड हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आई एम श्योर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, लड़कों के जो प्राइवेट पार्ट है ना, डेफिनेटली उसकी अपनी ही अलग से इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस है कि उसको पी पास वहीं से करना होता है। दूसरी इम्पोर्टेंस यही है कि इससे कहीं ना कहीं उनकी जो मस्कुलिनिटी है ना, वो डिफाइन होता है। हाँ, डेफिनेटली अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं किसी फीमेल पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली विदाउट इट वो कर ही नहीं सकते, कुछ होगा ही नहीं। रिप्रोडक्शन के केस में भी, हाँ, आजकल का जो ज़माना है बहुत एडवांस हो चुका है, IVF जो TTB यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ज़माना है, सैरोगेसी का ज़माना है, पर फिर भी अगर आप नॉर्मल और नेचुरल को देखो ना, तो फिर इसके अलावा किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। तो इसकी तो डेफिनेटली अलग से एक इम्पॉर्टेंस है, इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस होता है इसके हेल्थ वेल्थ सारी चीज़ों पे, कैसे आप इसको हेल्दी रख सकते हो, मसाज वगैरह हर चीज़ की। तो इसीलिए इसकी इम्पॉर्टेंस भी जैसे हैं, वैसे इसको लेके जो भी कन्फ्यूजन्स है ना आपके दिमाग में, उसका भी क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मिथ्स भी होते हैं इसको लेके जो कि आपको डरा सकता है। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर वन इज़ मिस्टर पेंसिल, यानी कि पेंसिल साइज़ का। ये जो साइज़ होता है ना, इस कैटेगरी के जो साइज़ होते हैं ना, वो लॉन्ग होता है एंड थिन होता है, और इसकी जो गिर्थ होती है ना, वो यूनिफॉर्म गिर्थ शिफ्ट में होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये एक नॉर्मल कैटेगरी में आता है, वो लॉन्ग होता है एंड इसकी जो गिर्थ होती है वो एक, आप एक पेंसिल को ले सकते हो, नॉर्मली जो पेंसिल होता है, इसीलिए इसका नाम मिस्टर पेंसिल रखा गया है कि ये स्टार्टिंग से एंड तक एक नॉर्मल गिर्थ शेप में होता है और थिन होता है बट लॉन्ग होता है, इसको इसलिए इसको मिस्टर पेंसिल कहा जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी जो है मेंश्योर कंपनी का प्रोलॉन्ग। ये जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पी इन द सेंस कि अगर आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जल्दी गिर जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड या फिर विद इन फ्यू मिनट, एक डेढ़ मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, फील करने से पहले ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ये डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको पी की प्रॉब्लम हो रही है और आप अपनी बॉडी में इसके लक्षण साइंस देख रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। इसमें जितने हर्ब्स डाले गए हैं वो सारे नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, एज लाइक कि इसमें हॉनी गोट वीड है। हम हॉनी गोट वीड हो, शतावरी हो, जायफल, जावित्री, ये सारे हम जानते हैं कि कितने इफेक्टिव हर्ब्स हैं जो कि आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और हॉनी गोट वीड, शतावरी और लौंग में ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट की हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है। तो ऐसे ही ताल मखाना, शिलाजीत, जिनसेंग, कंचबीज, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली जैसी और भी हर्ब्स इसमें डाले गए हैं, और भी हैं जो कि आपकी पी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक
सॉल्व करने में मदद करता है। आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो, इसका यूज़ करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। टाइप नंबर 2 इज मिस्टर पेपर। ये जो साइज कैटेगरी में आती है, इस कैटेगरी में जो लड़कों के प्राइवेट पार्ट का साइज होता है, इसकी जो गिर्थ होती है ना, वो थिक होता है, मोटाई ज़्यादा होती है बट लंबाई ज़्यादा नहीं होता, शॉर्ट होता है बट लंबाई ज़्यादा नहीं होता, और ये भी एक नॉर्मल कैटेगरी में ही आता है। टाइप नंबर 3 इज मिस्टर कोन। क्या पता क्या क्या नाम रखा गया है इन सारी चीज़ों का। मिस्टर कोन इन द सेंस के इसकी जो बेस होती है ना, बेस से टॉप तक ये एक, यू नो, अगर मैं इसकी बेस की बात करूँ, ये बेस और ये टॉप है, तो यहाँ से यहाँ तक ना ये थोड़ा सा, यू नो, कोन शेप में जाता रहता है। इसकी जो बेस होती है वो थोड़ी थिक होती है, और जब वो टॉप तक पहुँचता है ना, तो वो थोड़ा थिन, यानी कि कोन जैसा होता जाता है, इसीलिए इसका नाम ना मिस्टर कोन रखा गया है, और ये भी नॉर्मल कैटेगरी में ही आता है। एंड टाइप नंबर 4 इज मिस्टर बनाना। आप नाम सुन के ही सोच सकते हो कि जो केले होते हैं ना, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, और इसी वजह से अगर किसी लड़के का प्राइवेट पार्ट थोड़ा सा कर्व्ड हो, यानी कि लेफ्ट साइज में, राइट साइज में, या फिर अपर डायरेक्शन में थोड़ा सा कर्व्ड हो, तो वो भी नॉर्मल एंड नेचुरल कहा जाता है, वो भी नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं। बट यस, वो थोड़ा सा अगर कर्व, यानी कि जो बनाना साइज होता है ना, वो थोड़ा सा आप जानते हो कि कर्व होता है, अगर उतना तक ही हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो ज़्यादा कर्व्ड हो, यानी कि आपको फिजिकल रिलेशन के वक्त पेन होता है, आपको अनकंफर्टेबल होता है, आप बना ही नहीं पाते हो, या फिर आपको कहीं पर भी थोड़े से लम्स दिख रहे हैं, या फिर स्वेलिंग सी आपको दिख रही है, एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, उस केस में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि आपको पाइरोनिस डिजीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, और डेफिनेटली इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास भागनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये क्वाइट नेचुरल बनाना के साइज में है, तो फिर आप नॉर्मल के कैटेगरी में हो, और आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार लड़के ना इस बैंड केस को लेके बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है कि मेरा थोड़ा सा बैंड है, इसका मतलब क्या ये बीमारी है, हल्का पुल्का एंड बाई बर्थ भी अगर बैंड हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। टाइप नंबर 5 इज मिस्टर हैमर। हैमर इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि जो हैमर होता है ना, वो नीचे की तरफ से नैरो होता है, और जितना वो ऊपर की तरफ जाता है, वो थोड़ा वाइड हो जाता है, यानी कि लड़कों के प्राइवेट पार्ट का जो बेस सेक्शन है, वो थोड़ा नैरो होता है, और टॉप सेक्शन जो है, यानी कि जो कैप सेक्शन होता है, वो थोड़ा सा वाइड होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि थिक टाइप का और बड़ा साइज होता है। ये भी नॉर्मल और सिंपल कैटेगरी में आता है, इसको लेके भी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। टाइप नंबर 6 इज मिस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी कि जिन मर्दों का साइज जो है, वो बेस से टॉप तक, थिकनेस की बात करो या फिर आप लेंथ की बात करो, सेम होता है, यानी कि बेस से टॉप तक गिर्थ भी सेम होता है, और साइज जो है वो भी सबसे ज़्यादा, मतलब कि जितना ज़्यादा साइज सबसे आइडियल हो सकता है, यानी कि डॉक्टर के हिसाब से आफ्टर इरेक्शन 3.7 इंच से लेके 5.8 इंच तक नॉर्मल, यानी कि एवरेज नॉर्मल के कैटेगरी में आता है। तो अगर किसी लड़के का जो प्राइवेट पार्ट का साइज है, वो बेस से लेके टॉप तक उसकी गिर्थ जो है वो आइडियल है, सेम है, और साइज जो है वो भी ऑलमोस्ट 5.7 और 5.8 इंच के आसपास है, तो उस कैटेगरी में लड़के के प्राइवेट पार्ट के साइज को मिस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिस्ट में डाला जाएगा। टाइप नंबर 7 इज मिस्टर क्यूक्यूम्बर। आपने खीरे को देखा ही होगा कैसा होता है, लड़कों के प्राइवेट पार्ट का साइज भी कुछ ऐसा ही होता है इस केस में, यानी कि बेस से टॉप तक उनकी जो थिकनेस होती है वो मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम केस में थिकनेस हो सकती है वो इनका होता है, जो उनकी लेंथ होती है वो आइडियल होता है, नॉर्मल होता है, बट थिकनेस जो होता है ना, वो सबसे एक्सट्रीम पोस्ट पे होता है, सबसे ज़्यादा होता है इस केस में। इस टाइप के साइज को मिस्टर क्यूक्यूम्बर कहा जाता है। तो मैंने आपको 7 टाइप के पेनिस साइज के बारे में बताया। ये जो 7 टाइप मैंने कहा, ये डॉक्टर्स के हिसाब से, रिसर्चर्स के हिसाब से आइडियल एंड नॉर्मल माना जाता है, यानी कि इन सारे कैटेगरी में जो जो आते हैं वो सारे नॉर्मल हैं। तो किसी का कर्व हो सकता है, किसी का जो थिकनेस से ज़्यादा हो सकता है बट लेंथ कम हो सकती है, किसी का दोनों ही एक्सट्रीम हो सकता है, किसी का दोनों ही कम हो सकता है, बट डॉक्टर्स के हिसाब से आफ्टर इरेक्शन 3.7 to 5.7 to 8 इंच इज आइडियल एंड नॉर्मल, बट ये एवरेज था, बट अगर आपका 2 इंच भी आफ्टर इरेक्शन साइज है, तो वो भी नॉर्मल कैटेगरी में आता है, और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ सकते हो। जो अबनॉर्मल साइज होते हैं ना, उनको कुछ माइक्रो साइज, मिनी साइज ऐसा कहा जाता है, और उस केस में साइज जो होता है वो 2 इंच से भी कम होता है, वो अलग मेडिकल टर्म्स में आ जाते हैं।
मैंने आज इस वीडियो में सिर्फ आपको नॉर्मल कैटेगरी की बात की। तो माय डियर व्यूअर्स, अगर आपको अपने साइज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन थी तो आई होप कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। अगर कोई भी लेकर क्यूरियोसिटी थी वो भी दूर हो चुकी होगी और अब आप ज़रूर समझ चुके होंगे कि आपका साइज़ है क्या, आप किस कैटेगरी में आते हो और आप डेफिनेटली नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर ज़रूर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।